पीसीबी की बेहिसी, छोटे मुलाजमीन मौसमी मुश्किलात का शिकार होने लगे। बोर्ड ने मुल्क भर से 250 मुलाजमीन को बगैर तनख्वाह ही रखा है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह दावा किया गया था कि जो नया क्रिकेट स्ट्रक्चर आ रहा है, जो नया निज़ाम आ रहा है, उसमें क्रिकेटर्स और क्रिकेट स्टाफ जो है, ग्राउंड स्टाफ और दीगर अमला जो है, उसमें खुशहाली आएगी। लेकिन ये खुशहाली तो नहीं आई, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो बेहिसी है, इसका शिकार सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो छोटे मुलाजमी हैं, रीजनल मुलाजमी, ग्राउंड स्टाफ और माली और दीगर अमला जो था वो बना है। तकरीबन 250 के करीब छोटे मुलाजमी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया था। उनको 2 माह का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसके बाद उन्हें उनकी नौकरियों से फारिग किया गया। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 अक्टूबर को उनसे जो दस्तखत करवाए थे, लेकिन अब तक उनकी तनख्वाहें जो है वो अदा नहीं की गई। और इसी परेशानी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए तमाम जरिए इंतज़ाम रावलपिंडी रीजन के जो क्यूरेटर थे वाजिद हुसैन, वो आज हरकत कल्ब बंद होने से इंतकाल कर गए हैं। और इसी किस्म की सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जरिए तमाम जितने छोटे मुलाजमीन हैं उनकी है, मुआशी मुश्किलात का शिकार है मुलाजमीन। उन्हें मालूम नहीं है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से भी कोई वाजे पॉलिसी अब तक नहीं दी गई कि ग्राउंड स्टाफ को वो रखेंगे, निकालेंगे, उनकी नौकरियों का मुस्तकबिल क्या होगा। इसके साथ साथ जो उनकी तनख्वाहें बनती हैं, पिछले तकरीबन किसी जगह 2.5 माह की तनख्वाह बाकी है, किसी का 3 माह की तनख्वाह बाकी है, किसी का 2 माह की तनख्वाह बाकी है, वो अब तक उन्हें अदा नहीं की गई। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 20 और 19 अक्टूबर को लोगों से इस हवाले से जो मुआहदे थे उनके ऊपर दस्तखत करवा लिए थे, और उसके बाद उनसे कहा गया था कि आपको आपके मुस्तकबिल के हवाले से आगाह कर दिया जाएगा। मगर मुलाजमीन जो हैं वो मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं, और उसी मुआशी मुश्किलात मुश्किल की वजह से, उन्हीं मुआशी मुश्किलात की वजह से वाजिद हुसैन। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए।